हेलो दोस्तों, आईपीएल 2024 में विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में डबल हेडर के दूसरे मैच में ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स का सामना ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। नए कप्तान के नेतृत्व में चेन्नई ने टूर्नामेंट की जोरदार शुरुआत की है। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली सीएसके की टीम पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है। टीम ने अब तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में जीत हासिल की है। वहीं ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स ने मौजूदा सीजन में दो मैच खेले हैं और दोनों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में दिल्ली की निगाहें मौजूदा सीजन में अपना खाता खोलने पर होगी। आइए जानते हैं कि विशाखापट्टनम की पिच कैसी हो सकती है। वाइजैग क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में अभी तक आईपीएल 2024 में एक भी मैच नहीं खेला गया है और अब ये ग्राउंड अपनी मौजूदा सीजन में पहले मैच मेजबानी करने के लिए तैयार है। विशाखापट्टनम की पिच पर खूब रन बनते हैं और यहाँ पर फैंस को चौकों और छक्कों को बरसात देखने को मिल सकती है, लेकिन बाद में गेंदबाजों को मदद भी मिलने की उम्मीद है। इस मैदान पर टॉस का रोल अहम हो सकता है क्योंकि अब तक केवल 3 बार बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने यहाँ टी20 मैच जीता है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच में टॉस जीतने वाला टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी। आइए अब जान लेते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है। आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कुल मिलाकर 29 बार मुकाबला हुआ है। इन 29 मैचों में से 19 मौकों पर चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारी है, हालांकि दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 10 मैचों में ही जीत हासिल की है। और आइए आप जान लेते हैं कि आज की हमारे ड्रीम इलेवन की टीम कैसी रहेगी। तो ये रही आज की हमारी ड्रीम इलेवन की टीम। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, बैट्समैन में डेविड वार्नर, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रचित्र रविंद्रा, ऑलराउंडर में मिचेल मार्श, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, बॉलिंग में कुलदीप यादव, महेश पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान। मैं आज कप्तान बनाऊंगा रचित्र रविंद्रा को और वाइस कैप्टन मिचेल मार्श को। तो इस टीम को देखकर आप अपना टीम लगा सकते हैं।